चलिए फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है मेरे एजुकेशनल चैनल पर। और आज फिर एक बार क्लास 9 का जो हमारा चैप्टर है वह नंबर सिस्टम है। तो प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया कि नंबर सिस्टम जो हम पढ़ रहे हैं वह नंबर्स की जानकारी एक सिस्टम के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। तो फिर आज देखते हैं नंबर सिस्टम का लेक्चर 1 के बाद जो प्रीवियस क्लास था उसके बाद का क्या पोजीशन बनता है। सो हम आपको केवल इतनी बात बताएं कि रैशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन जो रैशनल नंबर होगा वह रैशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन जो होगा वह पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, जहाँ पर क्यू 0 नहीं है। और साथ साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, पी एंड क्यू हैव नो एनी कॉमन फैक्टर। नो एनी कॉमन फैक्टर मतलब ये सिंपल भाषा में आप समझेंगे कि P और Q के पास कोई ऐसा कॉमन चीज़ नहीं है जो यह फर्दर फिर हम इसको और छोटा कर सकें। जैसे 4/6, तो यह जब कैंसिल हो रहा है 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 से, तो 4/6 जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, राइट? इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो देन 2/3 एक रैशनल नंबर हो जाएगा, जबकि 4/6 2/3 का इक्विवेलेंट रेशियो हो सकता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो सकता है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर भी हो सकता है। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कहेंगे, रैशनल नंबर नहीं कहेंगे, क्योंकि लास्ट का स्टेटमेंट कहता हैव नो एनी कॉमन फैक्टर। चलिए इतनी बात पहले क्लास में भी हम कर चुके। अब इसका कुछ और प्रॉपर्टी आज देखेंगे। अब पी बाई क्यू के फॉर्म में हम सभी को लिख के आपको बता रहे हैं कि कुछ नंबर्स हम लेते हैं इसके रूप में, पी बाई क्यू के रूप में। देखिए पी बाई क्यू का जो फॉर्म बनेगा, सपोज करें आप कुछ नंबर्स हम ले रहे हैं 1/2, राइट? फिर क्या लिया, 2 बाई, कुछ ले लेते हैं 5, ओके। उसके बाद हम ले रहे हैं 3/7, कुछ ऐसे रैंडमली नंबर हम पिक कर रहे हैं कि आपको हम समझा सकें कि रैशनल नंबर और आगे क्या बताना चाह रहा है। उसके बाद फिर एक ले लेते हैं 1/3, ऐसे कुछ नंबर्स ले लेते हैं, और एक और लास्ट में कोई भी नंबर 7/10 ऐसा ले लेते हैं। चलिए इन नंबर्स को आप देखें, यह नंबर क्या कहे, डेसिमल फॉर्म में जरा हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। डेसिमल फॉर्म में होगा क्या, 1/2, 2/5, 3/7, 1/3 एंड 7/10, सम नंबर्स हम लिए हुए हैं रैशनल नंबर्स को, जो हम दिखाना चाह रहे हैं कि हो क्या रहा है। यहाँ पर फर्स्ट में 2 है, आप देखिए 1 को डिवाइड कर रहे हैं, डिवीजन तो होगा नहीं सीधा, 2 को अगर टेबल पढ़ेंगे तो 1 टाइम में 2 आ जाएगा, नहीं जाएगा तो आप समझते हैं डेसिमल बैठाएंगे, यहाँ पे 10 लगाएंगे, यहाँ पे डेसिमल है, यहाँ 10। 2 5 जा 10, राइट? अब हमारे पास क्या बच गया, 0, रिमाइंडर इज 0। अब देखिए आप 2 को, देखिए 2 से जब हम 1 को डिवाइड कर रहे थे तो हमारे पास नंबर आया डेसिमल फॉर्म में, दैट इज 0.5। चलिए 2/5 को देखते हैं, तो यहां पर भी क्या कर सकते हैं कि 2/5 में 5 को लिखिए, 2 को लिखिए, फिर से डिवीजन नहीं जाएगा, फिर से पॉइंट बैठाइए, और फिर क्या करेंगे, 5 4 जा 20, सो 0, दैट इज 0.4। चलिए अब इसके बाद आ जाते हैं 3/7 पर। सो 3/7 क्या कहता है, देखते जाइए केवल, राइट? ऐसा अब देखेंगे इसको, पॉइंट बैठाएं, 0 बैठाएं, ये पॉइंट है अगर दिख रहा होगा आपको सही तो, ठीक है, 7 4 जा 28, बैलेंस 2, फिर से हम 1 0 बैठाते जाएंगे, डेसिमल एक बार लगाए हैं, अब 1 0 बैठाते जाएंगे हम, 1 0 तक हमारा बैठाने का
जो पूरा का पूरा जो ताकत दिया है वो है डेसिमल है ये दिए हुए, सो हम एक जीरो बैठाते जाएंगे। 7 2 जा 14 राइट, अब क्या आएगा 6। अब फिर से देखिए, अब फिर से अगर डिवाइड करते हैं, एक जीरो बैठा दीजिए, हम जीरो बैठाते जाएंगे और काम अपना डिवीजन का करते भी जाएंगे। 7 8 जा 56 अगेन 4 आया, फिर से जीरो बैठाइए। 7 5 जा 35 देन बैलेंस 5 बचा, उसके बाद फिर से एक जीरो बैठाइए, यानी ये चलता रह रहा है। और 7 7 जा 49 और फिर क्या आएगा 1, बैलेंस आ गया 1। अब देखिए थोड़ा सा हम इसको और बढ़ाएंगे, अब देखिए 1 पर एक जीरो और डालिए, तो हम थोड़ा सा डिवीजन को अब इधर ले आते हैं, 7 रह जाएगा और इसमें हम डिवीजन कर रहे हैं किसमें, 1 में जीरो बैठाएंगे। 7 1 जा 1 तो यहाँ बैठाएंगे 1, देखिए राइट, यहाँ पर जगह ख़त्म है तो यहाँ पर हम बैठाए जा रहे हैं उधर 1 और 7, जो 3 बचेगा। फिर से आप देखिए जीरो बैठाइए और अब फिर 7 4 जा 28 और फिर से आ गया 2। अब देखिए पहला में देखिए 2 और उसके बाद हम लगभग 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर देखेंगे आप कि हमारा जो नंबर्स है वह फिर से अब रिपीट कर रहा है, 2 पर 0 डाल देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, हमारा ये वाला नंबर जो आ रहा था 7 2 जा 14 ये फिर रिपीट कर रहा है, देखिए आप 4 2 8 5 7 1 फिर से आ रहा है 4 2, ये वाला नंबर फिर से आ रहा है, देखिए 4 2 यहाँ से है, फिर देखिए 7 2 जा 14 तो यहाँ 2 बैठा है, यहाँ 14 बैठा है, 6 फिर से एक जीरो बैठाइए, फिर यही नंबर रिपीट करेगा 20 60 40 50 और फिर 7 8 जा ऐसे चला देख राइट। देखिए 4 2 8 5 7 यहाँ पर देखेंगे 1 तक जाइए यहाँ तक, उसके बाद फिर से ये रिपीट कर रहा है, आप जब फर्दर डिवाइड करेंगे तो रिपीट करता जाएगा, रिपीट करता जाएगा, कहीं भी जीरो नहीं आएगा, कहीं भी जीरो यह नहीं आएगा, यानी यह पूरा नंबर एक साथ रिपीट कर रहा है। अगर ऐसा नंबर आप देख रहे हैं, यदि इस प्रकार का नंबर रिपीट कर रहा है, कितना नंबर 1 2 3 4 5 6 डिजिट है इसमें, डेसिमल के बाद 6 डिजिट है, 4 2 8 5 7 1 और फिर से आ रहा है 4 2 8 5 7 1, तो ये पूरा का पूरा जब दोबारा आएगा तो इस पर एक रेकरिंग आ जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा, एक रेकरिंग आ जाएगा, वह डेसिमल के बाद रिपीट करता चला जाएगा। तो ये 3/7 का वैल्यू आ गया, 0.42 8 5 7 1 यहाँ तक आ गया। चलिए इसके बाद इससे थोड़ा सा छोटा एग्जाम्पल 1/3 का देख लीजिए। अब 1/3 का अगर हम करते हैं तो फिर से क्या होगा, ऐसा 3 3 जा 9 फिर 1, फिर एक जीरो बैठाएं, फिर 3 जा 9 फिर 1 आया, फिर 3 बैठाते जाएं, यह क्या आते जाएगा, वो अनलिमिटेड इनफिनाइट टाइम तक यह बार बार 1 आएगा, बार बार हम जीरो पुट करेंगे 3 टाइम्स में, फिर डिवाइड करेंगे उसको और ये हमारा नंबर्स ऐसा कुछ आएगा, यानी पॉइंट के बाद जो डिजिट है वह कहीं भी नहीं अंत करेगा लेकिन रिपीट करेगा, लेकिन क्या करेगा, रिपीट करेगा। और जब रिपीट करता है तो जो डिजिट रिपीट करता है, जितने नंबर्स रिपीट करते हैं उस पर हम रेकरिंग लगाते हैं, इसको बार कहते हैं। सो 0.3 बार राइट। सो यहाँ पर एक नंबर रैशनल नंबर का कुछ हम लोग काम कर रहे थे, 0.5 समाप्त हो गया, इसके बाद आया ही नहीं, 0.4 इसके बाद कुछ बचा ही नहीं, ये वाला जो नंबर्स है ना ये बार बार आ रहा है, ये 3 बार बार आ रहा है। अब यहाँ पर देखें आप जब डिवाइड करेंगे तो सिंपल है, एक जीरो है तो क्या हो जाएगा 0.7, 7 है 0 है, एक डिजिट ऊपर का चाहिए तो एक डिजिट 7 है, एक डिजिट के बिफोर डेसिमल प्लेस कर देंगे तो 0.7 हो जाएगा। अब देखेंगे आप दो कैटेगरी इसमें हुआ है, दो कैटेगरी हो गया है, एक क्या है कि 1/2 को 0.5
देखिए टर्मिनेट कर गया, मतलब टर्मिनेट कर गया का मतलब क्या हुआ, आप ऐसा कीजिए जीरो कुछ बचा नहीं, अब फर्दर डिवीजन हम नहीं कर सकते हैं, तो ये डेसिमल के बाद फाइव आकर के रुक गया, रुक जाना को टर्मिनेट कहते हैं, तो यह टर्मिनेट कर गया राइट। उसके बाद 0.4 पर आकर टर्मिनेट कर गया, यहाँ पर टर्मिनेट नहीं किया, ये इनफिनाइट तक चल रहा है, और 3 भी टर्मिनेट नहीं किया, इनफिनाइट तक चल रहा है। तो रैशनल नंबर में दो अभी हम प्रॉपर्टी देख रहे हैं, एक ऐसा रैशनल नंबर जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेट कर जाता है, और एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेट नहीं करता है, वो अनगिनत तक चलता रहता है, इनफिनाइट तक चलता रहता है, और बार बार रिपीट करता रहता है, बार बार रिपीट करता रहता है। सो आप देखिए डेसिमल को जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो रैशनल नंबर के दो प्रॉपर्टीज हमारे पास और हो गए, क्या हो गए, इट इज ईदर टर्मिनेटिंग, जो रैशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म होगा वो इधर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट करेगा अथवा नॉन टर्मिनेट करेगा, टर्मिनेट नहीं करेगा, और नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग, विथ रिपीटिंग, जो रिपीट करेगा मतलब क्या है कि जो डिजिट्स हैं या नंबर्स हैं वो रिपीट करते जाएंगे। फिर से रैशनल नंबर के पास दो प्रॉपर्टीज और आ गया डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के कारण, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के कारण हुआ क्या कि यह एक बार में टर्मिनेट करता है और दूसरे बार में टर्मिनेट नहीं करता है, नॉन टर्मिनेट रहता है, लेकिन नॉन टर्मिनेट की भी एक शर्त है, वह कहता है कि नॉन टर्मिनेट तो करेगा लेकिन रिपीट करेगा, वह नंबर बार बार आएगा एक इंटरवल के बाद, एक इंटरवल के 4, 2, 8, 5, 7, 1 यहाँ के बाद फिर से यही नंबर आएगा, तो एक इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है। तो रैशनल नंबर दो प्रॉपर्टीज को और रख लिया, क्या रखा, इट इज ईदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग, यह भी रैशनल नंबर का डिफिनीशन में आ जाता है क्योंकि इसके पास एक प्रॉपर्टी है। अब आप समझिए, अब जो दिखाना चाहते हैं वह समझिए कि टर्मिनेट क्यों कर गया और टर्मिनेट नहीं क्यों किया, टर्मिनेट क्यों कर रहा है और नॉन टर्मिनेट क्यों कर रहा है, देखते देखिए टर्मिनेट क्यों कर रहा है। अब देखेंगे आप टर्मिनेट करने की बात, 1/2 टर्मिनेट कर गया है, डिनोमिनेटर 2 है, 2/5 टर्मिनेट कर गया है, डिनोमिनेटर 5 है, 7/10 टर्मिनेट कर गया है, डिनोमिनेटर 10 है, अथवा ऐसा कर सकते हैं इसको आप 7/10 को लिख सकते हैं 2 × 5, 10 को क्या लिखेंगे 2 × 5 टर्मिनेट कर गया है, 7 डिनोमिनेटर है टर्मिनेट नहीं किया है, ये नॉन टर्मिनेट है, 1/3 डिनोमिनेटर 3 है टर्मिनेट नहीं किया है, नॉन टर्मिनेट है और रिपीट भी कर रहा है। दो प्रकार के रैशनल नंबर होंगे अकॉर्डिंग टू डेसिमल रिप्रेजेंटेशन राइट, दो प्रॉपर्टी ये रखेगा रैशनल नंबर, एक बार या तो टर्मिनेट करेगा और दूसरा बार टर्मिनेट नहीं करेगा लेकिन नंबर्स रिपीट करेगा, यह दो ही हो सकता है रैशनल नंबर में डेसिमल रिप्रेजेंटेशन का फॉर्म में, फॉर्म जब हम देंगे उसको तो दो ही रूप आएगा, टर्मिनेट करेगा नहीं तो नहीं करेगा, तीसरा कुछ नहीं आएगा। अब देखिए हम देख क्या रहे थे और आपको दिखा क्या रहे हैं कि जब डिनोमिनेटर, एक बात और बताते हैं कि देखिए पूरा जो रेशियो है, फ्रैक्शन है, उसका क्यू इंपॉर्टेंट है, पी बाई क्यू में ना क्यू इंपॉर्टेंट है, क्यू के अकॉर्डिंग इसका नेचर बदल जाता है, किसी भी रेशियो का, रैशनल नंबर का क्यू डिनोमिनेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अकॉर्डिंग उस रैशनल नंबर, उस रेशियो का पूरा प्रॉपर्टी चेंज करता है।
इसी को देख रहे थे हम अभी और देख रहे हैं। देखिए हो क्या रहा है कि आप जब देखेंगे यहां पर क्यू क्या है, टू है, क्यू क्या है, टू है, डिनोमिनेटर टू है, यहां पर क्यू क्या है, फाइव है, यहां पर लास्ट भी देखिए यहां पर क्यू हो गया टू इंटू फाइव हो गया। इस केस में हम देख रहे हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेट कर रहा है, यानी रैशनल नंबर टर्मिनेट कर रहा है, लेकिन इसको छोड़कर जैसे डिनोमिनेटर टू फाइव या टू और फाइव दोनों का मल्टीपल को छोड़ करके कोई भी दुनिया का तीसरा नंबर आ जाए, फिर से सुनिए, क्यू यानी डिनोमिनेटर किसी भी रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर टू और फाइव को या मल्टीपल के रूप में हो टू या फाइव या इसका कितना भी पावर दे दें, सपोज करें आप 7/20 लिखेंगे तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे, प्राइम फैक्टर में कैसे करेंगे, टू इंटू टू इंटू फाइव, देन ये हो जाएगा 7/2 स्क्वायर इंटू फाइव का पावर वन, टू का भी पावर हो सकता है, फाइव का भी पावर हो सकता है, कितने टाइम्स में होंगे यह भी मतलब इन्फिनाइट है, जितना भी नंबर ऑफ पावर हो जाए, जितना भी डिग्री हो जाए, कोई अंतर नहीं पड़ता है। फिर से इसको डिवाइड करेंगे, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा यानी टर्मिनेट कर जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। सेवन को अगर क्या करेंगे, 20 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट बैठाइए, 23 जा 60, 10 बचा, फिर से एक पॉइंट बैठाएंगे आप, 25 जा 100, देन कैंसिल, रिमाइंडर जीरो, सो 0.35 आके टर्मिनेट कर गया। फर्दर डिवीजन हम नहीं लगा पा रहे हैं, इसलिए हम यह बता रहे थे आपको कि या तो 2 आ जाए, क्या हो जाए, डिनोमिनेटर 2 हो जाए, 5 हो जाए, या 2 और 5 का मल्टीपल हो जाए। अगर ऐसा होता है तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हर समय टर्मिनेट कर जाएगा, और इनके अलावे 2 और 5 के अलावे कोई तीसरा नंबर अगर हो गया तो टर्मिनेट नहीं करेगा, वह रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेट करेगा, लेकिन नंबर्स रिपीट करेंगे, नंबर्स रिपीट करेंगे, इस बात को ध्यान रखिए। सो अब क्या लिख सकते हैं हम, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल डेसिमल रिप्रेजेंटेशन विल बी टर्मिनेटेड और विल बी टर्मिनेट इफ डिनोमिनेटर, राइट, ये रैशनल नंबर के लिए हम लिख रहे हैं, बात आप समझ रहे हैं, रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर विल बी टर्मिनेट इफ डिनोमिनेटर इज 2 और 5 और 2 इंटू 5, सपोज करें पावर एक्स है, पावर वाई है, 2 पावर एक्स है, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर होगा, ये समझ लेंगे आप, पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं, 2 to the power x एंड 5 to the power y, m n भी लिख सकते हैं आप, देन अगर इस फॉर्म में भी होगा तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेट कर जाएगा। सो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन विल बी टर्मिनेट इफ इफ डिनोमिनेटर इज 2 और 5 और दिस द मल्टीपल ऑफ 2 इंटू 5 एंड 2 to the power समथिंग एंड 5 to the power समथिंग, दैट इज पॉजिटिव नंबर। सो इन केसेस में समूचा डेसिमल जो रिप्रेजेंटेशन होगा टर्मिनेट कर जाएगा, और अगर ऐसा ना हुआ तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेट कर जाएगा, राइट। अब देखिए आप कंफ्यूज ना होंगे, आप समझिए ठीक से बात को, कि अगर 14/7 लिख दें तो अब तो यहाँ पर 2 नहीं है डिनोमिनेटर, 5 भी नहीं है, 2 और 5 का मल्टीपल भी नहीं है, ये 7 को तोड़ भी नहीं सकते हैं 2 into 5 में, तो बोलेंगे कि ये तो गया 7 2 जा 14, तो दरअसल ये रैशनल नंबर है नहीं अभी, अब ये जब कट गया ना तो रैशनल नंबर है 2/1,
राइट, ये इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। इसकी कहानी यहां पर नहीं शुरू होगी। अब यह 2/1 ये रैशनल नंबर है। 1 के लिए टर्मिनेट हमेशा होता है, इसलिए इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। और 2/3 हो गया। अब क्या है, नीचे 3 है तो टर्मिनेट करेगा क्या? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम अभी पढ़े कि होना चाहिए क्या डिनोमिनेटर 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, या नहीं तो फिर 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए। ऐसा नंबर डिनोमिनेटर में हो जो 2 और 5 के प्राइम फैक्टर के रूप में फैक्टराइज केवल होता हो, दूसरा नंबर से नहीं होता हो। देखिए अब आगे चलिए, इसको लेके हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आपको बताएंगे अभी क्या है कि 7/6 टर्मिनेट करेगा कि नहीं करेगा। देख लेते हैं, 7/6 को आप ब्रेक करें प्राइम फैक्टर में, क्या लिखेंगे? 2 × 3। अब आप ही बताइए कि यह पूरा का पूरा टर्मिनेट 7/6 करेगा नहीं करेगा, दोनों चीज आप बता सकते हैं। क्योंकि अभी हम लोग क्या पढ़े, क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, नहीं तो डिनोमिनेटर को 2 और 5 का मल्टीपल में होना चाहिए, और यहाँ पर 2 और 5 का मल्टीपल नहीं है, 2 और 3 का मल्टीपल है। सो लिखेंगे हम, सिंस डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power x एंड × 5 to the power y, इस फॉर्म में नहीं है, राइट? इस फॉर्म में रहता तो टर्मिनेट होता, लेकिन 2 × 3 में डिनोमिनेटर नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2x × 5 to the power y। सो 7/6 इज नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, लेकिन ध्यान रखें नॉन टर्मिनेटिंग जब होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर में जब होगा तो हर समय रिपीट करेगा, एक इंटरवल के बाद नंबर्स रिपीट हो जाएंगे। इसको ध्यान में रखेंगे, जब रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं तो 2 कैटेगरी होगा, टर्मिनेट करेगा नॉन टर्मिनेट। नॉन टर्मिनेट में केवल एक ही चीज होगा रैशनल नंबर के लिए, केवल रैशनल नंबर के लिए, कि नॉन टर्मिनेट में वह बार बार रिपीट करेगा, एक इंटरवल के बाद नंबर को रिपीट करना होगा। सो अभी हम लोग देख रहे थे रैशनल नंबर का प्रॉपर्टी, अब इसका एक प्रॉपर्टी और चलते हैं लेके आपको बताते हैं जल्दी से, और देखिए एक प्रॉपर्टी और देखेंगे रैशनल नंबर का। अब आपको दिखाते हैं, थोड़ा अलग है। सपोज करिए हम पॉजिटिव इंटीजर में कुछ परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लेते हैं, 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ऐसा नंबर जो किसी एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके प्राप्त किया जा सके, वो उपलब्ध किया जा सके, मिल सके। जैसे 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर इसीलिए है कि ऐसा कोई नंबर है पॉजिटिव इंटीजर में, या मान लीजिए पूरे इंटीजर में ही बात कर लीजिए, ऐसा कोई नंबर है जिसको अगर अपने आप से वह मल्टीप्लाई हो जाए तो 4 दे दे। जैसे 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2, 2 को खुद से मल्टीप्लाई किए तो 4 आ गया, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। -2 को -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यह भी इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, तो -(-)+ and 2 × 2, 4। तो 4 दो कंडीशन में मिल सकता है, पॉजिटिव इंटीजर का खुद से मल्टीप्लाई होना, और नहीं तो नेगेटिव इंटीजर का भी खुद से मल्टीप्लाई अगर कर दें 2 बार तो ये आना चाहिए, एंड दिस इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो अब परफेक्ट स्क्वायर को ले लेते हैं और इसको इसकी बात करते हैं हम आपसे। अगर 4 को हम अंडर रूट कर दें, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट कर देते हैं, तो क्या आता है, +-2 आता है। अभी हम आपको दिखाए कि -2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 आ जाएगा, ये वाला आएगा, और 2 को भी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे +2 को 2 से तो भी आएगा, यानी स्क्वायर रूट 4 का जो आंसर होगा वो 2 बार आएगा,
प्लस में आएगा और माइनस में आएगा, राइट? बात समझेंगे आप, जब स्क्वायर की बात करते हैं हम तो किसी का पावर जो होता है ना टू होता है, पावर क्या होता है टू होता है, तो एकदम नेचुरल है कि जितना डिग्री होगा उसके वैल्यू उतने होते हैं। अगर पावर थ्री लिखेंगे तो वैल्यू मैक्सिमम उतना हो सकता है, पावर टू लिखेंगे उसके वैल्यू दो बार आएंगे, इधर भी पॉजिटिव और निगेटिव, हम आगे इसकी बात करेंगे फिर, कोई वैल्यू दोबारा रिपीट भी कर सकता है, खैर जैसा फिर क्वेश्चन आएगा तो हम आपको बताएंगे। अभी है रूट फोर को हम लिख सकते हैं प्लस टू माइनस टू, अब इसको तो लिख सकते हैं आप, प्लस टू बाई वन रैशनल नंबर हो जाएगा, फिर माइनस टू बाई वन यह भी रैशनल नंबर हो जाएगा, भले निगेटिव हो लेकिन रैशनल नंबर है, रूट अंडर नाइन फिर लिखेंगे आप प्लस माइनस थ्री, यह भी रैशनल नंबर है, थ्री बाई वन माइनस थ्री बाई वन, फिर क्या रूट अंडर सिक्सटीन प्लस माइनस फोर, यह भी प्लस फोर बाई वन लिख सकते हैं आप, और क्या लिख सकते हैं माइनस फोर बाई वन। प्रत्येक जो हम दिखा रहे हैं आपको नंबर्स, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स को लेकर के हम यह बताना चाह रहे हैं, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा रैशनल नंबर आएगा, हमेशा रैशनल नंबर आएगा। द स्क्वायर रूट ऑफ एनी, राइट, द स्क्वायर रूट ऑफ एनी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नंबर इज ए रैशनल नंबर, क्या होगा रैशनल नंबर होगा। इसको भी आप अपने मेमोरी में रखें कि स्क्वायर रूट किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का किया जाए तो वह रैशनल नंबर आएगा, और वह दो वैल्यू रखेगा, एक प्लस का रखेगा और एक उसी मैग्नीट्यूड में माइनस का भी रखेगा। सो इसकी भी कहानी अब यहाँ पर हम समाप्त करते हैं, और रैशनल नंबर का जितने भी प्रॉपर्टीज इस क्लास में पढ़ने थे उसको हम आपको बता चुके हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम आपको जहाँ ले जाना चाहते हैं वहाँ पर ले के चलते हैं। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि आप देखिए, अब एक नंबर को रूट लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं रूट, एट को ले लेते हैं। अब यह एट जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, अब देखिए क्यों नहीं है, रूट अंडर एट को आप प्राइम फैक्टर जरा कर लें, टू फोर जा एट, फिर टू टू जा फोर, टू को थ्री टाइम्स लिखेंगे तो क्या होगा एट आ जाएगा। तो चलिए लिख दीजिए, टू इंटू टू इंटू टू, ये तो हो गया। अब स्क्वायर रूट तो आप क्लास एट में भी पढ़े हैं, आपको पता है कि जो डिजिट या नंबर पेयर में आ जाए उसको हम रूट के बाहर एक बार लिखेंगे, तो यह पेयर लग गया है तो इसको आप लिख दीजिए, एक बार बाहर निकल गया। लेकिन यह टू देखिए अकेला पड़ा हुआ है, इसका कोई भी पेयर नहीं है, इसके समान अब कोई दूसरा इसमें नहीं है, तो क्या होगा रूट टू अपने पोजीशन को बनाए रखेगा, यानी रूट इससे बाहर नहीं आएगा, रूट अपने पोजीशन में बना रहेगा। सो अब यह नंबर पर आप गौर करें, यह एक अलग टाइप का नंबर आ गया, जो अभी तक हम पढ़ रहे थे कोई ऐसा नंबर नहीं आया था बीच में, सभी सीधा साधा नंबर आया था। अब यहाँ पर से यह थोड़ा टेढ़ा नंबर आ गया, क्योंकि यह नंबर की प्रॉपर्टी थोड़ा अलग हो जाएगी, और बता रहे हैं यह भी जो प्रॉपर्टी अलग क्यों है, क्योंकि एक रूट हम नहीं निकाल पाए हैं, स्क्वायर रूट जो है नहीं निकाल पाए हैं, सीधा सीधा नहीं निकाल पाए, निकल तो जाएगा पॉइंट में निकल जाएगा लेकिन सीधा निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर एट नहीं है। और जब इस तरह के नंबर्स आपको मैथमेटिक्स में मिले तो इसको एक नाम दिया गया, क्योंकि हम रियल नंबर पढ़ रहे हैं यहाँ पर, एक बात आपको बता देते हैं, आप यहाँ पर रियल नंबर का स्टडी कर रहे हैं, इमेजिनरी नंबर भी होता है,
हम उसकी बात अभी नहीं करेंगे। रियल नंबर के दो भाग हो जाते हैं, एक होता है रैशनल जिसकी चर्चा हम पिछले क्लास से इस क्लास तक किए हुए हैं, और दूसरा होता है इरैशनल। इरैशनल, रैशनल की बात हम कर रहे थे, लेकिन बात करते करते हम एक ऐसे मोड़ पर आए हैं जहां पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर को हम नहीं लिए हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर जब तक ले रहे थे हम, तब तक हमारा काम रैशनल नंबर में चल रहा था। उसका जब भी स्क्वायर रूट निकाल रहे थे तो रैशनल नंबर में, अभी अभी आप देखे हैं हम रैशनल नंबर लिख रहे थे। लेकिन जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, कोई ऐसा जब तोड़ने पर कोई पेयर में नंबर नहीं आए तो फंसा रह जाएगा, और जब वो रूट के बाहर ना निकलेगा तब वह एक अलग कैटेगरी में हो जाएगा। और रियल नंबर की क्योंकि दो ही कैटेगरी हैं, रैशनल है और इरैशनल है, तीसरा कैटेगरी नहीं है, सो इस प्रकार के नंबर कहलाएंगे इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर कहलाएंगे, राइट। जो स्क्वायर रूट से नंबर सीधा बाहर ना आ पाए, ऐसा ही आप समझें अभी, वह सभी इरैशनल नंबर होगा। और आपको फिर से कुछ और बात बताते हैं, जैसे आपको एक नंबर और ले लेते हैं बीच में हम, और दिखा रहे हैं आपको कि कैसे हो सकता है। सपोज करें 50 आपके पास एक नंबर है, अब क्या कर सकते हैं? इसको प्राइम फैक्टर जब आप करेंगे तो 50 को प्राइम फैक्टर कर सकते हैं, आप अपनी कॉपी में भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं 5 × 5 × 2, राइट, 5 × 5 = 25 × 2। अब इसका जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, रूट 2 अंदर रह जाएगा, तो फिर से 50 जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, जिसके कारण फिर से रूट एक डिजिट पर लगा रह गया और ये 5√2 हो गया, और यह एक अलग कैटेगरी रख लिया रियल नंबर के अंदर में। जो इरैशनल नंबर कहलाता है वह क्या हो जाएगा? इरैशनल नंबर हो जाएगा। तो अब डिफिनीशन क्या बन सकता है, आप देखें, द इरैशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ रूट ए। आप इतना ही समझें, द इरैशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ रूट ए, वेयर ए इज पॉजिटिव नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ए क्या है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है वो सारा नंबर स्क्वायर रूट में इरैशनल कहलाएगा, इरैशनल कहलाएगा। आप ध्यान रखें, ए इज पॉजिटिव नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पॉजिटिव नंबर लेना है, निगेटिव की बात हम नहीं कर रहे हैं, निगेटिव में दूसरा चीज हो जाएगा, इस क्लास में नहीं पढ़ना, उसकी बात हम इसलिए नहीं कर रहे हैं। तो चलिए, अंडर रूट ए इस फॉर्म में होना चाहिए, शर्त क्या है? ए को नॉन परफेक्ट स्क्वायर में होना चाहिए, और नॉन परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है कि उसको प्राइम फैक्टर करने पर कोई भी नंबर एक रह जाए ऐसा जिसका जोड़ा ना लगे, रूट अंडर टू। अब इसको क्या तोड़ेंगे आप? टू को प्राइम फैक्टर कर ही नहीं सकते हैं, अब ये खुद से अब छोटा हो गया। अब इसको जब नहीं लिख सकते रूट थ्री, अब इसको आप प्राइम फैक्टर नहीं कर सकते हैं, ये दो बार आएगा ही नहीं। अब कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसको स्क्वायर करने पर टू आ जाए, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है, कोई भी इंटीजर ऐसा नहीं है, इंटीजर की बात हम कर रहे हैं बार बार, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ रहा है यहाँ पर, कोई भी इंटीजर ऐसा नहीं है चाहे वो माइनस में या प्लस में। देखिए माइनस में इसलिए बोल रहे हैं कि माइनस का स्क्वायर जब भी करेंगे आप तो प्लस आएगा, माइनस का स्क्वायर में प्लस आएगा। सो यह जो है ना, यह आप नहीं ला सकते हैं टू को, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो अपने आप से मल्टीप्लाई होकर के टू आ जाए, नहीं आएगा ना। 1 × 1 करेंगे तो 1 आएगा, 2 × 2 करेंगे सीधे 4 आ जाएगा, ये तो आएगा ही नहीं। 2 और 3 बीच में देखिए 1 के बाद 4 है, जंप कर गया, 3 × 3 4 के बाद सीधे 9 आ रहा है, यानी 5, 6, 7 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। यहाँ पे फंस गया क्या? 2 और 3, 1 से 4 के बीच में 2 और 3 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो आप समझे इरैशनल नंबर का डिफिनीशन क्या होगा? अंडर रूट ए, इट इज इन द फॉर्म ऑफ अंडर रूट ए, वेयर ए इज पॉजिटिव नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इतनी बात आप समझ चुके होंगे।
चलिए